और वहीं राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की खबरों पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब सब उत्तर प्रदेश आएंगे और अब तो महफिल उत्तर प्रदेश में ही है। अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने आज कन्नौज से नामांकन भरा है और उसके बाद राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं अमेठी से, जिस पर दीपक सिंह एमएलसी कांग्रेस के कह रहे हैं कि राहुल गांधी शुभ मुहूर्त में आएंगे। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब तो महफिल उत्तर प्रदेश में ही सजेगी, अब सब उत्तर प्रदेश आएंगे। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। उनका कहना है कि अब तो उत्तर प्रदेश में महफिल सजेगी। अखिलेश और राहुल की पार्टी का गठबंधन है उत्तर प्रदेश में और इंडी गठबंधन में शामिल हैं अखिलेश यादव भी। और राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की खबरों पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि अब सब उत्तर प्रदेश आएंगे। तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो, अब तो महफिल यूपी में ही सजनी। और इसलिए भी कि देखो ना, बीजेपी वालों की भाषा क्या है, ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद क्या इनका बैंड नहीं बज गया? एक सवाल, अमेठी से राहुल गांधी का नामांकन कैसे पूछना है? मेरी कोई जानकारी में नहीं। सुना है कि राम मंदिर में दर्शन भी करने जाएंगे। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे हैं, उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि खबरें तो ऐसी भी हैं कि राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो उसके पहले अयोध्या जाके भगवान राम के दर्शन भी कर सकते हैं, जिस पर बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोले अखिलेश यादव। लेकिन हाँ, जब सवाल अमेठी से चुनाव लड़ने को किया गया राहुल गांधी के, तो उन्होंने साफ कहा कि अब सब उत्तर प्रदेश में आएंगे और उत्तर प्रदेश में अब महफिल जमेगी। भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा उन्होंने, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर कई मुद्दे उन्होंने मीडिया के सामने उठाए और तमाम बातें कही। लेकिन अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पर अब जो राजनीति के जानकार हैं वो सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों अचानक से अखिलेश यादव को कन्नौज से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। और आचार्य राज मिश्रा और अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आचार्य विक्रमादित्य भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं और राघवेंद्र भी इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। पहला सवाल आचार्य मिश्रा आपसे कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, राजनीतिक बात तो आप नहीं करेंगे मैं जानती हूं, लेकिन अयोध्या जाने की खबरें हैं, उनकी दर्शन कर सकते हैं? देखिए ऐसा अनामिका जी, श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राक्षस कपट भेष तह सोहा और माया पति दूतई चह मोहा। ठीक है, और बड़ा ये मारीच वाली जो भक्ति थी ना, मारीच की भक्ति के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि मारीच ने हनुमान जी को मोहित करने के लिए कपट भेष तैयार किया और राम नाम जपना शुरू कर दिया ताकि हनुमान जी मोहित हो जाएं और जो लक्ष्मण जी की जागृति का काम था वो कार्य रुक जाए। तो इसी प्रकार से जो भारत के सनातन धर्मी जागृत हुए हैं, ठीक है, उनको मोहित करने के लिए अलग अलग पैतरे चले जा रहे हैं। सनातन धर्मी जागृत हो गए हैं, इसीलिए उन्हें मोहित करने के लिए राहुल गांधी चुनावी हिंदू बन गए आचार्य विक्रमादित्य, कभी जनेऊधारी ब्राह्मण और अब राम भक्त साबित करने की कोशिश खुद को। देखिए लगातार हिंदू धर्म की जिस प्रकार से उपेक्षा करने का एक वातावरण रहा है, मुझे लगता नहीं किस प्रकार क्या मुंह लेके जाएंगे। जिन लोगों ने राम भक्तों पे कार सेवकों पे निहत्ते कार सेवकों गोली चलाई, उनका साथ लेकर राजनीतिक दल आज जिसमें कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं और वही स्वरूप लेकर जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, जिनके पार्टी के लोग वकील बनकर राम विरोध करते रहे, जिन लोगों ने राम की उपेक्षा करी, राम के औचित्य पे सवाल कर दिया, राम को काल्पनिक बता दिया, आज वो क्या मुंह लेकर राम के मंदिर में जा रहे हैं? ये तो बगला भगत वाली स्थिति हो गई। और मैं तो कहूंगा कि अब चिड़िया चुग गई खेत, अब जो खेल करने जा रहे हो, अब जाओ कृष्ण मंदिर में। अगर अपनी वास्तविकता सत्य दिखाना चाहते हो तो मैंने भी थोड़ी देर पहले भी ये बोला था कि अब मथुरा की बारी है, अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। अगर वास्तविक तौर पर अभी भी अपने पाप धोना चाहते हैं तो जाएं कृष्ण मंदिर में जाकर देवड़ी पूजन करें, वहां जाकर अपनी भक्ति दिखाने का प्रयास करें, तब तो जाकर कोई समझ सकता है। लेकिन जिस प्रकार के टेंपल रन पहले चल चुका है और वही टेंपल रन अब चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनकी पूरे लगातार पिछले 70 सालों से आजादी के बाद जो कार्य आजादी के दिन हो जाना चाहिए था,
जो जिनके परिवार ने सौराष्ट्र में सोमनाथ के मंदिर पर विघ्न डालने का प्रयास किया, राम मंदिर को, रामलला को इतने साल तक टाट में रखा, एक वस्त्र बदलने के लिए यानी कितने पापड़ पेले। आचार्य वापस लौट रहे हैं आपके पास, आप लोग बने रहिए। राघवेंद्र का रुख कर लेती हूँ एक बार। राघवेंद्र, बार बार ये कहा गया था कि बुलाया गया, पर अभी भी यही सवाल है, जब बुलाया गया तब नहीं गए, और साफ कह रहे थे कि ये बीजेपी का इवेंट है, बीजेपी इसे हायर करने की कोशिश कर रही है, तब नहीं जाएंगे, जब मन करेगा तब जाएंगे। तो क्या आप अमेठी से चुनाव लड़ने से पहले भगवान राम का आशीर्वाद ले सकते हैं, अगर लड़ते हैं चुनाव तो राहुल गांधी? राघवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, फिर से आवाज। हाँ, सवाल करिए एक बार। राघवेंद्र, राहुल गांधी या उनकी पार्टी बार बार ये कह रहे थे, या गठबंधन के नेता, कि ये बीजेपी का इवेंट है, जब प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया बोले तब नहीं जाएंगे, और अब जा रहे कि को तैयारी है, ये खबरें मिल रही हैं कि अगर चुनाव लड़ेंगे अमेठी से तो पहले रामलला के दर्शन करेंगे फिर नामांकन कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अमेठी में राजनीति बहुत दूसरी तरह की है। यहाँ पर इंडी गठबंधन का प्रत्याशी नहीं था और यह उम्मीद की जा रही थी कि गांधी परिवार का ही व्यक्ति यहाँ से उम्मीदवार बनेगा, चाहे रायबरेली की बात हो या अमेठी की बात हो। यहाँ पर कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है अमेठी से, और जिसका आकलन लोग कर रहे थे वही सूचना इस समय सुनाई दे रही है, वही राजनीतिक गलियारे में वही खबर है कि राहुल गांधी यहाँ पर वायनाड के चुनाव के बाद यानी 26 को जो वोटिंग होगी उसके बाद वो अमेठी आ सकते हैं। और जिस तरह का माहौल है, प्रधानमंत्री जिस तरह से वार कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि विरासत कानून को लेकर एक कौम को खुश करने के लिए कांग्रेस बड़े बड़े दावे अपने ठीक है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और हर बार ये आरोप लगते हैं कांग्रेस पार्टी पर कि इनके नेता चुनावी हिंदू बन जाते हैं, और क्योंकि अब वोटिंग पहले फेज की हो चुकी है, कल दूसरे फेज की होनी है, तो उसके बाद उसके पहले खुद को बड़ा हिंदू बताने के लिए राम मंदिर जाने की तैयारी है। धन्यवाद आचार्य मिश्रा, आचार्य विक्रमादित्य और राघवेंद्र, आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते आगे, देखते हैं 2 मिनट में भारत की हम खबरें। समझती हूँ कि मेनपुरी की जनता तैयार है, और जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि किस तरह मेनपुरी की जनता एक सकारात्मक राजनीति के साथ खड़ी दिखाई देगी। मैडम, 10 साल बाद योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम लगा है जसवंत नगर विधानसभा, कैसे देख रहे समाजवादी पार्टी? नहीं, अच्छा है, प्रदेश में किसी को भी कहीं भी घूमने की इजाज़त है, और मुख्यमंत्री जी आए और देखें कि किस तरह, अब तो हेलीकॉप्टर से आएंगे तो उतरेंगे तो यहाँ सफाई हवाई पट्टी में, वहीं उतरेंगे कहीं, तो देखें किस तरह अच्छे कार्य हो सकते हैं, अगर सही मंशा हो, अगर सही विचार हो तो बहुत कुछ हो सकता है। कोई इसमें एंड नहीं है कि आप कितना बेहतर कर सकते हैं इस प्रदेश के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है और बहुत ही संभावनाओं का और आशाओं का प्रदेश है, और ये आप सब पूरा कर सकते हैं, लेकिन अच्छा शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। पटना के होटल में लगी भीषण आग, हादसे में 6 लोगों की मौत, 7 गंभीर रूप से घायल, सिलेंडर फटने की वजह से होटल में लगी आग। उत्तर प्रदेश के महोबा में टीचर का सोते हुए वीडियो वायरल, कक्षा से बच्चों को हटाकर चटाई बिछाकर सोते नजर आया टीचर, ग्रामीणों ने शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। कर्नाटक के मर्डर मामले में नेहा के घर पहुंची सीआईडी की टीम, सीआईडी ने नेहा के परिवार से पूछताछ की। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में गिरा पहाड़ का हिस्सा, लैंडस्लाइड के कारण हुनली और अनिनी के बीच हाईवे बाधित। उत्तर प्रदेश के बदायूं में संदिग्ध परिस्थिति में कब्रिस्तान में मिला शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, बीजेपी उम्मीदवार श्री रूपा मित्रा चौधरी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप। राजस्थान के बाड़मेर में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान दलों को ईवीएम मशीन बांटी गई, बाड़मेर में 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। शतरंज ग्रैंड मास्टर चैंपियन डी गुकेश का चेन्नई एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, शतरंज टूर्नामेंट 2024 में शानदार जीत के बाद लोगों में खुशी का माहौल। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, बांदीपुरा के कई गांवों में बड़े पैमाने पर घेराबंदी कर सेना का तलाशी अभियान जारी। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला के सर्वे का 35वां दिन, परिसर में एएसआई की टीम मौजूद, सर्वे का काम जारी। बीएसएफ और पंजाब पुलिस के तरन तारण जिले से बरामद की चीन निर्मित ड्रोन, नशीले पदार्थ की सप्लाई के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की आशंका, इलाके में तलाशी अभियान जारी।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सरकारी दवाइयों को जलाने का मामला आया सामने। नॉट फॉर सेल लिखी दवाइयां जलाई गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने दवाइयों को कब्जे में लिया। मध्य प्रदेश के कटनी में चेन स्नैचिंग की घटना से हड़कंप। महिला से बाइक सवार बदमाश ने चेन छीनने का प्रयास किया। घटना से सीसीटीवी में कैद।